भारत का सबसे बड़ा अंडर वाटर फिश टनल एक्सपो मित्तल ग्राउंड मुमरा में सभी लोगों के लिए आ चुका है। अब आपको ये फिश टनल देखने के लिए दुबई, सऊदी, अफ्रीका या फॉरेन में नहीं जाना पड़ेगा। आप इसका एक्सपीरियंस मुमरा में ही कर सकते हैं। पिराना से लेकर शार्क, क्रोकोडाइल फिश जैसे हर प्रजाति की फिश आपको मुमरा के फिश टनल एक्सपो में देखने मिलेगा। मगर इतना ही नहीं, आपको ये फिश टनल एक्सपो मुमरा के बेहतरीन मेले में देखने मिलेगा। हाँ, अब तक का सबसे बेहतरीन मेला। सही सुना आपने, क्योंकि ये आम फन फेयर नहीं है। यहाँ पर आपको जबरदस्त अंडर वाटर फिश टनल एक्सपो, शॉपिंग, सेल्फी पॉइंट, स्पेशल किड जोन के साथ फूड कोर्ट, हाउ गली, एम्यूजमेंट पार्क, फन फेयर, 30 रुपीज में कोई भी घर का सामान एक ही छत के नीचे आप सभी लोगों के लिए उपलब्ध है। तो अपने परिवार और दोस्तों को लेकर कहीं बाहर क्यों जाना, जब मुमरा में है इतना बेहतरीन ठिकाना। एक बार जरूर विजिट करें मुमरा मित्तल ग्राउंड फन फेयर एंड अंडर वाटर फिश टनल एक्सपो, मुमरा मित्तल ग्राउंड शंकर मंदिर के पास। मंडे के दिन मुमरा ट्रैफिक विभाग पर दोपहर में हम सब मिलकर के 2:30 बजे ये लेटर के साथ पहुंचेंगे कि मुमरा में P1 P2 की फैसिलिटी है। शहर वालों को भी नहीं मालूम कि ये ऑलरेडी जो है लागू है। कौन सा मतलब नया कानून है कि हर जगह से गाड़ी उठाओ, सब चीज में गुनहगार कौन? तो आम पब्लिक। दगाबाजी कौन कर रहा है? नेता कर रहा है। धोखा कौन कर रहा है? नेता कर रहा है। एक नेता पहले बोलता है कि ये कुत्ता है, उसके बाद जाके बोलता है नहीं मैं इसका कुत्ता हूँ, फिर वापिस आके बोलता है नहीं ये भोगने वाला कुत्ता है। थाने महानगर पालिका खाली नहीं करा रही, बल्कि उल्टा वहाँ पर रेलिंग लगाने के लिए परमिशन दे रही। जितेंद्र अवार्ड जो है वो यहाँ पर किराए के हैं, भाड़ूत हैं, हम यहाँ के मूल निवासी है। एक रात के अंदर कौन सी काया पलट हो गई, फिर जितेंद्र अवार्ड साहब को बुरा नहीं बोलने का। इसके अंदर लिखा हुआ ऊपर राजन नारायण किने। सीधा सीधा ये कहना है कि जो कब्रिस्तान वहाँ मिलने वाला था, इस लेटर की वजह से वो कब्रिस्तान है ना सर, मित्तल के अंदर इल्लीगल भरनी। कब्रिस्तान का इशू इतने दिन से चल रहा था, तो फिर ये सब पेपर आप उसी वक्त आकर सार्वजनिक क्यों नहीं किए? क्या चाहते हैं हिंदू मुसलमान के अंदर झगड़ा हो? नहीं, हम नहीं चाहते। हम मुमरा वालों के ऊपर दाग नहीं लगने देंगे। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आपको मालूम होगा कि मुमरा शहर के जो तमाम मुद्दे हैं, उन मुद्दों को वसीम सैयद जो कांग्रेस पार्टी के हैं और ये तमाम मुद्दों को उठाते हैं, चाहे कब्रिस्तान का मुद्दा हो, चाहे शहर के ट्रैफिक का मुद्दा हो, ऐसे तमाम जो अन्य मुद्दे हैं उन सभी मुद्दों को लेकर ये अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। वसीम सैयद से हम बात करेंगे कि जो ट्रैफिक का मुद्दा है उस पर पहले बात करेंगे, उसके बाद इन्होंने कब्रिस्तान के मसले पर कहा था कि एक लेटर है और कुछ हेर फेर का मामला बताया था कि कैसे हुआ था, उसका भी ये खुलासा करेंगे, तो उस मामले पे भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले ट्रैफिक का जो मामला है, जो गाड़ियां पार्क होती हैं P1 P2 उसके मामले पे हम बात करते हैं। वसीम भाई, 2-3 दिन से ट्रोइंग हो रहा है जो गाड़ी, उस पर काफ़ी चर्चा गर्म है और रमज़ान का महीना भी आने वाला है, ऐसे में शहर में तरह तरह की चर्चाएँ हो रही हैं। तो P2 का जो मामला है, कुछ दिन पहले या साल भर पहले बोलने कि जो है ये हुआ था कि यहाँ यहाँ गाड़ियाँ पार्क की जाएंगी, तो उस संदर्भ में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, आपका जो पिछली टाइम का वीडियो है, जिस तरीके से लोग उसको देख रहे हैं, जिस तरीके से वो वायरल हुआ है, वो वायरल होने के बाद जो है वो मुझको लगातार मैसेजेस आ रहे हैं, मुझको लगातार कॉल आ रहे हैं। अब ये कॉल किस तरीके के होते हैं कि जैसा एक घर की लेडीज़ हैं, वो भाजी तरकारी लेने के लिए गई, उन्होंने 2 कार पार्क करी भी उसके बीच में जाके लगाई, जहाँ पार्किंग जैसा बता रहे ना कि एक पार्किंग अलाउड है, वहाँ पर जाकर के लगाए और वहाँ से वो गाड़ी उठा करके लेके चले गए। ना वहाँ पर कोई नंबर लिखा हुआ है, ना वहाँ पर किसी तरीके की इन्फॉर्मेशन दी गई कि ये गाड़ी कहाँ चली गई। अब वो लेडीज़ बहुत परेशान हुई, उन्होंने, उनके जो हस्बैंड है वो काम पे जाते हैं, उन्होंने उनको फ़ोन किया, ऐसा कहा कि गाड़ी चोरी हो गई है शायद। ये सब होने के बाद उन्होंने अपने, वो जो लड़के ने अपने दोस्त को भेजा, तब कहीं जाके मालूम पड़ा कि ये गाड़ी टो हो गई। अब किसी एक घर को इतना परेशान कर देना सिर्फ एक चीज़ की वजह से, वो भी कब हो रहा है कि अगर कहीं पार्किंग लिखा हुआ है कि इथे इथे वाहने पार्किंग करू नहीं, और उसके सामने दूसरा ये लिखा हुआ है कि यहाँ आप गाड़ी पार्क कर सकते हो, तब है ना, क्या होगा कि इनके पास एक वो होगा। मैंने कहा था कि मेरे पास जो है वो बड़ी मुश्किल से मैंने ये पेपर्स ढूंढ ढांड के निकाला, जिसमें मुमरा में जो है वो P1 और P2 का जो है वो रश्मि करंदीकर जो DCP थे,
यहाँ के, उन्होंने ये 2015 में 5 सितंबर 2015 यानी आज से 8 साल पहले जो है वो इसका एक 9/2015 हाँ तो ये एक लेटर इशू किया हुआ है जिसमें बाकायदगी से देखिए यहाँ लिखा हुआ है, मैं बाद में आपको इसकी कॉपी दे दूंगा, लेकिन मुमरा शहरातिल कौसा कब्रस्तान ते दरगा रोड पर्यंत रस्त्याचे दोन्ही बाजूस सम विषम यानी P1 P2 म्हणून घोषित करण्यात येत आहे। ये लेटर जो है ये लेटर गवर्नमेंट की तरफ से इशू किया हुआ है, इसकी कॉपी जो है वो जिला प्रसिद्धि अधिकारी यानी जो मीडिया के अंदर देते हैं डिटेल्स उनको दिया गया है, उसके बाद माहिती साठी जो है वो जिला अधिकारी यानी कलेक्टरेट को दिया गया है, आयुक्त महापालिका ठाणे यानी कमिश्नर ऑफ थाने महानगर पालिका को दिया गया है, परिवहन अधिकारी ठाणे महानगर पालिका यानी TMT वाले जो परिवहन वाले जो लोग हैं जो उनके TMT जो परिवहन के अंदर आती है वो डिपार्टमेंट को दिया गया है, नियंत्रण कक्ष को दिया गया है, विभाग नियंत्रण राज्य परिवहन को दिया गया है और ठाणे पुलिस को भी दिया गया। ये लेटर जब इससे पहले जब ये सब चीज़ें हो चुकी है किसी को और कुछ करना नहीं है। अच्छा उसके अंदर एक चीज़ देखो यहाँ पर ये भी है कि अगर मतलब वो चीज उस वक्त अगर आपको ट्रैफिक खत्म हो गई थी यानी सदरची वाहतूक नियंत्रण अधिसूचना ही अधिसूचना प्रसिद्धि झाल्यापासून 30 दिवसाकरिता प्रायोगिक तत्वावर राबवण्यात येईल यानी ये एक सैम्पल के तौर पर इस्तेमाल की जाने के लिए कहा गया था, लेकिन अगर कोणाची काही तक्रार या बाबत कोणाची काही तक्रार इसके खिलाफ अगर किसी की तक्रार नहीं आती है तो ये जो है सोरबत पोलीस उपायुक्त वाहतूक शाखा ठाणे 3 हात नाका ठाणे येथे पाठवण्यात तसेच याबाबत काही सूचना आक्षेप प्राप्त ना झाल्यास अगर उन्होंने अपनी कंप्लेंट जो है डिपार्टमेंट को अगर नहीं भेजी वाहतूक शाखा को तो सदरची अधिसूचना पुढे कायम स्वरूपी अमलात राहील यानी ये हमेशा के लिए आगे जो है वो अमल में रहेगी, यही कानून है। अब मुझको बताइए 2015 का है 2023 आज है, मैंने तो कहीं भी एक ऐसी कंप्लेंट नहीं सुनी कि जिसमें इसके खिलाफ P1 P2 के खिलाफ किसी ने जाके याचिका दायर करी या किसी ने जाके यहाँ पे जाके कोई कंप्लेंट की। अगर कंप्लेंट नहीं किए इसका मतलब ये लेटर जो इशू किया गया है डिपार्टमेंट की तरफ से ये बताता है कि मुमरा में P1 P2 की फैसिलिटी है। जब P1 P2 की फैसिलिटी है तो फिर ये कौन सा मतलब नया कानून है कि हर जगह से गाड़ी उठाओ और उनके ऊपर मतलब फाइन लगाओ। अच्छा एक बहुत अच्छी चीज पकड़ के रखे हुए, सब चीज में गुनहगार कौन? तो आम पब्लिक, सब चीज में। नेता भाग जा रहा है, दगाबाजी कौन कर रहा है? नेता कर रहा है। धोखा कौन कर रहा है? नेता कर रहा है। नेता को है ना चुन करके दे रहे, एक नेता पहले बोलता है कि ये कुत्ता है, उसके बाद जाके बोलता है नहीं मैं इसका कुत्ता हूं, फिर वापिस आके बोलता है नहीं ये भोगने वाला कुत्ता है। मतलब क्या हो रहा है, नेता को अपनी मर्जी के हिसाब से जब जो भी मतलब दल बदलने का स्टाइल आ गया हुआ है यानी पहले ये आदमी अच्छा है नहीं ये आदमी बुरा है फिर ये आदमी ये अच्छा हो गया अभी, तो ये कौन सी चीज है गरीब पब्लिक के लिए जो जो होना चाहिए जो चीजें होना चाहिए वो पहले से P1 P2 यानी कि 2015 से और 2024 लग गया है सर। P1 P2 का लेटर भी है आपके पास लेकिन इस चीज पर अमल तो हो नहीं रहा है बिल्कुल भी नहीं। अगर आप अब इस पर अमल नहीं हो रहा है, अब देखिए हम ऐसा सोच रहे हैं मंडे से जो है ना हम लोग 2015 का लेटर आपके पास है मौजूद है लेकिन शहर वालों को भी नहीं मालूम कि ये ऑलरेडी जो है लागू है। जब मैं पब्लिक की तकलीफें देखा, जब देखा मैंने बहुत सारी बहनें वहाँ जाकर परेशान हो रही है, बहुत सारे मेरे बच्चे नौजवान बच्चे वहाँ जाकर के परेशान हो रहे हैं, बहुत सारे लोग वहाँ जाकर के। अच्छा ये मुमरा कोई ऐसा बहुत बड़ा इलाका नहीं है ना कि जहाँ पे जो करोड़पति अरबपति लोग ही बैठे रहते हैं, करोड़पति अरबपति लोग तो इधर उधर कहीं पे फोन लगाते हैं, जो जामर लगाता है उनके पास से जाकर रिक्वेस्ट करते हैं और उनकी गाड़ियां छूट जाती है, लेकिन जो गरीब आदमी ना। एक बात बताइए, अगर अब मान लिया जाए कि ट्रैफिक विभाग के तरफ से जो ये लेटर है इसी के अनुसार P1 P2 किया जाता है तो समझिए जो अमृत नगर के साइड वाला रास्ता है दारुल फला के तरफ वाला रास्ता है उधर तो गाड़ी लग सकती है एक दिन, लेकिन दूसरे दिन इस तरफ कैसे लगेगी? जो मार्केट पूरी लगती है उधर कैसे गाड़ी लगेगी दूसरे दिन? अब बताइए जब मैंने ये लेटर ढूंढ के निकाला P1 P2 का, आपकी मेरे साथ हमेशा से एक वो रही है शिकायत रही है कि मैं सिर्फ बोलता हूँ और पेपर नहीं लेकर आता,
आपने जब बात बताई है दूसरी, तो और एक बात सुन लीजिए, मेरे को पता था कि इसके ऊपर जो है दूसरी एक बात होगी। ये 2013 का हाई कोर्ट का ऑर्डर है, इसके अंदर जो है एक पीआईएल दाखिल की गई थी सादिक गुलाम रसूल शेख साहब की तरफ से। ये पीआईएल दाखिल हुई थी थाने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अगेंस्ट के अंदर, जिनसे पूछा गया था कि जो फुटपाथ है, जो पब्लिक के चलने की जगह है, वो अगर खाली नहीं होगी तो क्या किया जाए। कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया है देखिए आप। द ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट इज इनक्लोज्ड हियर विद फॉर द पेरिजुअल एंड नेसेसरी फॉर द स्टेप्स द कंटेंट ऑफ विच आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीडब्ल्यूडी मुमरा वार्ड कमेटी के लिए। ऑर्डर देखिए। In these proceedings, which have been filed in the public interest, the relief that has been sought is the following terms: to remove the encroachment made by the hawkers on footpath of Gulab Park, Amrut Nagar, Sharifa Road, Kausa Market, Darul Fala, Kausa Market besides at Mumra, as well as on National Highway number 4, passing through गुलाब पार्क, अमृत नगर, शरीफा, कौसा मार्केट, दारुफला एंड हेसफोर्थ। टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ रिस्पोंडेंट नंबर 1, टू अरेंज फॉर एप्रोप्रिएट ऑफिसर ऑफ रिस्पोंडेंट नंबर 1, देयर बाय डायरेक्टिंग देम टू टेक द एप्रोप्रिएट एक्शन इन अकॉर्डेंस विद लॉ सो दैट हेंसफोर्थ नो सच इनक्रोचमेंट शेल टेक प्लेस ऑन फुटपाथ ऑफ गुलाब पार्क, अमृत नगर, शरीफा रोड, कौसा मार्केट, दारुल फला एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ये किसके लिए दिया है ये कोर्ट ने ऑर्डर? ये खाली कराने के लिए दिया है। और अगर ये नहीं खाली करेंगे, रिमूवल ऑफ एक्शन इज टेकन फ्रॉम टाइम टू टाइम बट कम बैक ऑन द साइट। ये 6 मई 2013 का ऑर्डर है, पूरी कॉपी है मेरे पास इसके अंदर। इसके बाद भी क्या होता है अगर ऑर्डर है ऐसा 6 मई 2013 तो थाने महानगर पालिका फिर क्यों नहीं खाली करा रही? थाने महानगर पालिका खाली नहीं करा रही, बल्कि उल्टा वहां पर रेलिंग लगाने के लिए परमिशन दे रही है। रेलिंग लगाने की परमिशन दे रहे हैं और उसके अंदर जो है 4-5 बड़े नेताओं के नाम है। कौन कौन नेता? अरे साहब, अरे ये नेता देखो, कोई भी नेता है ना, नेताओं का बहुत अच्छा चलन हो गया भाई आज की तारीख में। जो फॉर्म में उसकी उंगली पकड़ लो और अपने आप को बचा लो। कल तक के मतलब पब्लिक कैसे भी पब्लिक को सफर कर रहे होने दो, अपन ले दे के बात करेंगे ना। राजन गिने का भी वापिस से, अभी राजन गिने का मैटर आप मेरे से पूछेंगे, मेरे को ऐसा लग रहा है क्योंकि आप वापिस से सवाल जवाब तो वही करना है कि भाई पहले भी मैंने कब्रिस्तान का, हाँ कब्रिस्तान का क्या आप बोले थे कि पेपर का हेर फेर है क्या, जमीन का हेर फेर बताता हूँ, लेकिन मैं राजन गिने की बात करता हूँ। राजन गिने जो है वो हमारे साथ पहले कांग्रेस के अंदर थे और हमारे गट नेता भी थे, तो हम तो बहुत अच्छा टाइम उनके साथ बिताए हुए। तो हमेशा कहते थे कि भाई जितेंद्र अवार्ड जो है वो यहाँ पर किराए के हैं, भाड़ूत हैं, हम यहाँ के मूल निवासी है, भाड़ूत जो है वो घर पे कब्जा करना चाहता है। फिर अचानक क्या हुआ, एक रात के अंदर कौन सी काया पलट हो गई, फिर जितेंद्र अवार्ड साहब को बुरा नहीं बोलने का, ये हमारे राजन जी का, राजन कीने भाई का हमारे, अब भाई बोल रहा हूँ इसके लिए कि वो दादा वाला लफ्ज़ अपनी ज़बान से निकल नहीं पा रहा है, तो राजन भाई ये बोलने लगा। अब अचानक राजन भाई ने नया सुरालाप लिए हुए कि तेतर असाए तेतर वसाए, अब उनको एक नई कोई दूसरी चीज़ अच्छी लगने लग गई है, बाहर से आई हुई इम्पोर्टेड चीज़ें उनको अच्छी लग रही है आजकल कपड़ों का कलर भी। पहले राजन किने साहब को कोई नहीं देख सकता था, मैं नहीं समझता हूँ कि किसी ने वाइट कपड़े के अलावा देखा होगा, लेकिन आजकल इम्पोर्टेड फैब्रिक पहनने की आदत लग गई है, कलर चेंज हो गया है। ठीक है, वो उनका पर्सनल मामला, पर्सनल नहीं, पर्सनल नहीं ना, ये पब्लिक का है ना। कल तक के राजन कौन क्या पहनता क्या नहीं पहनता, पर्सनल पहनता की बात नहीं, उनकी सोच बदल रही है ना, अचानक बदल रही है उनकी। क्या जब दिल में आ रहा प्लेन उड़ा ले रहे, जब दिल में आ रहा तीर का माल लेकर आ जा रहे। अरे भाई आप मुमरा के बारे में सोचो ना, छोड़ दो सब पार्टी, अगर आपको लग रहा है ना सब पार्टी छोड़ो मुमरा के लिए। ये पहला पेपर आपको P1 P2 का बताया, उसकी से लगे हुए इंक्रोचमेंट्स की जो बातें कर रहे थे जो लोग, तो वो इंक्रोचमेंट के लिए भी उसका ऑर्डर है, लेकिन ये नेता लोग जो है वो फॉलो अप नहीं करने दे रहे उस चीज को। अब बात आती है जो आपको मैंने इससे पहले कहा था, देखिए कब्रिस्तान की जो मांगनी थी, हम अभी भी बोल रहे हैं कि अगर पानी भर रहा है कब्रिस्तान में तो वो गलत है,
हम उसका कभी भी समर्थन नहीं कर सकते, हमको भी वहां मर करके दफन होना है। 2012 का ये लेटर है जिसके अंदर जो है थाने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को ठहराव के जरिए से बताया जा रहा है, महासभा का ठहराव है 181 15/10/2011 का 8, फिर उसके बाद जो दूसरा मार्च 8 का है 8-14 के इसके अंदर हुआ है जो शासन ने उनको भेजा हुआ है 2012 के अंदर, ये सब चीज के अंदर जब उनको बताया जा रहा है कि भूखंड क्रमांक 51 53 64 60 69 107 65 117 118, ये कौन सी साइट था? ये मुमरा की तरफ आ रहा था। कहां आ रहा था ये कब्रस्तान? ये कब्रस्तान आ रहा था मुमरा में। यह मुमरा का कब्रस्तान 2013 के अंदर जो है वो मुमरा में किस जगह पे आ रहा है? ये जो मुमरा की अभी अभी ये यहां पर आ गया, हम लोग कौसा में आ गए, जहां से मतलब बोरी कब्रस्तान जहां पर है, बोरी कब्रस्तान के पास जहां पर आजकल लोगों ने बिल्डिंग बनाने के लिए जगह बेच दी, मित्तल ग्राउंड, हाँ इस तरफ की जगह है वो। ये तो ये बुलाया जाएगा ना एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को, ये उससे पूछा जाएगा ना कहां है। अब मैं आपको बताता हूं ये लेटर, ये है वो लेटर, आपकी न्यूज वालों को बताइए आप, इसके अंदर लिखा हुआ ऊपर राजन नारायण किने, ये लेटर है, ये लेटर, ये एक लेटर नहीं है, ये इन्होंने आरिफ नसीम खान को लिखा हुआ है, इसके बाद दूसरा लेटर है, इसके साथ जो परत जोड़ी हुई है 7-12 की, उसके बाद एक और लेटर है, ये देखिए इसके अंदर यहां पर उनका राजन नारायण किने का वो पूरा लिखा हुआ है इसके अंदर, महाराष्ट्र ये वाला, सॉरी ये देखो, सन्माननीय नगर सेवक श्री राजन नारायण किने यांनी माननीय मुख्यमंत्री महोदय यांना लिहिलेला पत्र दिनांक 13 मार्च 2013 राज्य शासन नगर युवास विभागाने मुंबरा येथील प्रभाग क्रमांक 59 मध्ये सर्व धर्मायांची स्मशान भूमी व दफन भूमी करिता आरक्षित केलेले 5 एकर भूखंडा संदर्भात प्रशासनाची दिशाभूल करण्याचे अधिकारी तातडीने चौकशी नेवा। क्या लिखे हुए वहां पर जो दिया जा रहा है कब्रस्तान, उसके अंदर अधिकारी दिशा भूल कर रहे, यानी मुमरा में कब्रस्तान नहीं, क्यों नहीं कब्रस्तान मिलना चाहिए सुनो, अभी वहां कब्रस्तान क्यों नहीं मिलना चाहिए मुमरा में, तो वहां पर लिख रहे हैं वो पूरा यही लिखे अपना 51 53 64 60 69 107 65 117 118 सर्वधर्म 2020 आए सदर खाजगी मालकीची जाग्या सदर खाजगी मालकीच्या ज्या भूखंडांना या करिता आरक्षित केला जात आहे त्यातला बऱ्याच क्षेत्रामध्ये वर्ष 1995 पूर्वीपासून इमारती उभ्या आहेत आणि हजारो नागरिक तिथे निवास करतात, याचे प्रत्यक्ष उदाहरण म्हणून सदर जागे 7-12 आपल्या अवलोकनार्थ सोबत जोडत आहे। कितना बड़ा वो उसकी जगह, इतनी बड़ी है वहां पे और खाली 32 एक का, कितना 32 एक का 7-12 किसको फायदा पहुंचाने के लिए? भावना बेन दिलीप पटेल, मोदी भी गुजरातियों को फायदा पहुंचा रहे और ये भाई भी, बाकी नुकसान किसका हुआ? मुमरा के मुसलमानों का। ये पेपर आप, से आपका सीधा सीधा ये कहना है कि जो कब्रस्तान वहां मिलने वाला था इस लेटर की वजह से ये वो कब्रस्तान रिप्लाई है ना सर, सर रिप्लाई है ना उसमें, वाकई किसी रिप्लाई की वजह से यहाँ पर मिला। अरे भैया ये पहले क्या बता, आज बता रहे ना कि जितेंद्र अवाल इनका दुश्मन है या मुखालिफ है या जो भी है और उसके ऊपर डाल रहे, तो ये तुमने साथ में उस वक्त हमारे हमारी बोलने की बात क्या है कि आपके लेटर्स है ना यहाँ पे, पेपर मरता नहीं है कभी भी, आप ही ने उसके खिलाफ डाले हुए ना, तो फिर यहां पर आया हुआ मतलब अगर स्थानांतर हो रहा है, अगर वहां से जगह हट करके यहां आ रही है दलदल वाली जमीन के ऊपर, तो उसमें आप भी उतने जिम्मेदार हो के नहीं जिम्मेदार? अब आप जिम्मेदार हो तो भूल सुधारो, पहले मुख्यमंत्री को लेटर लिखे थे ना कि भाई यहां नहीं मिलना चाहिए, तो अब वहां पर लेने की जिम्मेदारी लो,
आप नगर सेवक थे तभी आपने लिखा हुआ है ना, आपका नगर सेवक का लेटर हेड इसमें डाले हुए ना आपने, सब पेपर है ये, नगर सेवक का लेटर, राजा नारायण की ने साइन है, देखो मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव सो नगर विकास, एआर राजीव जो अपने यहां पे वो थे उनको आयुक्त थे उनको दिया हुआ है, ये सब चीजें इनके सामने है, पेपर है ये। मैं बताता हूं और भी आगे, पेपर की बात निकली तो सब पेपर पे आएगी बात, मित्तल के अंदर इल्लीगल भरनी, हम तो नगर सेवक नहीं है ना, उस प्रभाग के नगर सेवक जो उनकी जिम्मेदारियां होती है कि नहीं होती, हमारे लेटर के ऊपर कार्रवाई हो रही तो वहां पर भी कार्रवाई होनी चाहिए थी ना। मेरा नाम है ये वसीम सैयद, ये तलाठी की साइन है, ये पंचनामा है, एजाज शेख हमारे साथ कांग्रेस में थे उस वक्त, धनसे सरफराज, धनसे परवेज मकरानी, ये मित्तल में 115 जी जहां पर कब्रस्तान का भी जो वही सेगमेंट लगता है वहां पर इल्लीगल भरनी के खिलाफ हमने, और उसके बाद उन्होंने लेटर निकाला हुआ है बाकायदगी से 712 के साथ, ये मेरा लेटर है क्या, आप देख रहे हैं ना किसकी साइन है यहां पे, तलाटी की साइन है ना, तलाटी की साइन, समक्ष तलाटी पंचनामा हुआ हुआ है, तहसीलदार को हमने जावा क्रमांक तलाटी की तरफ से आया हुआ जावा क्रमांक क्या दिया हुआ है, मौजूद तेल 115 जमीन पर आनेद्री के माती भराव के लिए बाबू, इलीगल भरनी हुई है ना, ये पेपर्स है ना हमारे, जब हम ये करने के बाद आपका इंटरेस्ट यहां पे क्या था, इधर से उधर करना, हमारा इंटरेस्ट क्या था, पब्लिक के लिए फेवर में आना। अगर कब्रस्तान का इशू इतने दिन से चल रहा था तो फिर ये सब पेपर आप उसी वक्त आकर सार्वजनिक क्यों नहीं किए, क्या वजह थी आप? नहीं, ये सब पेपर तो इतने सार्वजनिक हुए, ये पूरे इस्लामुद्दीन भाई सिर्फ यही नहीं, मैं अकेला नहीं, मैंने मेरी अकेली जात का काम नहीं है ये काम हमारे पूरे मुमरा वालों ने मिलकर किया है। ये सब पेपर्स जो है ना हर जहां जहां पर पहुंचना चाहिए थे हर हर वहां जगह पर पहुंचे, कोई इसके अंदर पीछे, मैं आपको सब उसकी रिसीप्ट वगैरह के साथ बताता हूं, जिसको जो क्रेडिट लेना है ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पब्लिक के हित में काम किया जाए ये हमारा मांग है, सबने मिलके किया हुआ है, कोई अकेला कोई किसी एक वसीम सैयद का काम नहीं है ये, मिल्ली तहरीक का लेटर किस किस को गया हुआ है, चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र है ना एहतशाम भाई की तरफ से भेजा हुआ है ये, ह्यूमन राइट्स की तरफ से भेजा हुआ है ये, नसीर खान साहब की तरफ से भेजा हुआ ये, इश्तियाक शाह की तरफ से भेजा हुआ ये, सबकी ये कॉपी की यहाँ पे लिखी हुई है, पोस्ट से भेजी हुई, कुछ भी ऐसा नहीं छुपाया नहीं, मुमताज खान साहब की तरफ से भेजा हुआ है, समाजवादी की तरफ से भेजा हुआ है, आदिल खान आजमी का नाम है इसके अंदर, समीर खान साहब की तरफ से भेजा हुआ है, ये लो शाह आलम भाई का भी इसके अंदर लेटर है, अजीजुर रहमान साहब का लेटर है इसके अंदर, इसमें ये हाँ ये मेरी एक संस्था है विस्टा ग्रुप सोशल वेलफेयर एजुकेशन ट्रस्ट, उसकी तरफ से ये मेरी साइन है यहाँ पर, आबिद अली कल्दाने साहब जो है वो उनकी तरफ से भेजा हुआ है, ये सभी लेटर इतना भेजे गए उसके बावजूद भी कुछ सुनवाई नहीं, सुनवाई क्यों नहीं हुई, क्या वजह रही होगी? नहीं, कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने जो है वो इसको इधर उधर घुमाया, ये लेटर तो बाद में निकले ना, फिर यहां पर लोगों को बताना कि हम तुम्हारे साथ है, लेकिन पीछे से जो है वो इस तरीके से धोखा दिया गया ना हमारे को, तभी कहीं जाकर के तो मतलब देखिए आलहत का लेटर दिया गया बाद में, हम लोग खुद यहाँ से पैदल चल करके गए, ये पेपर था, लेकिन अभी तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो एमए मल्ली का कब्रस्तान है उसे और बेहतर से बेहतर दुरुस्त अच्छा बनाने की जो है कोशिश की जाए और उस पर राजनीति ना की जाए। मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ, मैं उसके ऊपर बोलना भी नहीं चाहता हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ जो चीज़ मिल गई है ना, ठीक है अब हमको मिल गई है ना, हम उसके वाद विवाद में बाद में पढ़ लेंगे, लेकिन वहां पर जितनी मैयतें दफन हुई है उनकी बेहरमती ना हो, जो बात हुई थी, जो वर्क ऑर्डर निकल चुका है उससे काम जो शुरू होना चाहिए वो काम शुरू हो जाए,
मत करो राजनीति, जबरदस्ती मत आओ एक चीज को पकड़ करके अपने आप को नेता बताने की जरूरत नहीं। कोई अच्छा काम करो, ये P1 P2 का लेटर है, इफेक्टिवनेस के अंदर लेकर आ जाओ। क्यों नहीं कर रहे? मैं ये बोल रहा हूं कि भैया वो भरनी जो है वो 4-6 फुट ऊपर करने की, मिल करके कर दो, सब मिलके कर दो। वो छोड़ो, मुमरा के लिए कब्रिस्तान की जरूरत है ना, वो करो। आपस के अंदर मिलजुल के रहने की ना, क्या चाहता है हिंदू मुसलमान के अंदर झगड़ा हो? नहीं, हम नहीं चाहते। एक दूसरे के अंदर मोहब्बत वाले काम हो जावे, ऐसे के प्रोग्राम रखो, साथ में मिलकर के करेंगे हम। भैया ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक धर्म समुदाय को ही देश चलाने का है। मुमरा इतना बंजर कभी नहीं रहा कि बाहर से लोग आकर के यहाँ के नेता बन जाए। अब यहाँ के जो लोग हैं इनके अंदर क्यों नहीं वो क्वालिटी डेवलप करने देते आप? आप क्यों नहीं? हम सब राइट्स ठीक है, आपको नेता बनना है नेता बनो, नगर सेवक बनना है नगर सेवक बनो, ये तो बेसिक चीजें हैं ना। ऐसे धोखा तो मत दो मुमरा वालों को। कम से कम मुमरा वालों के लिए आज ट्रैफिक का मुद्दा है, जबरदस्ती की बेवजह की पार्किंग का, नो पार्किंग का चार्ज क्यों भरे? पार्किंग का हम लोग जोन बताया, P1 P2 बताया हूं मैंने अभी आपको लेटर के जरिए से। मंडे हम सब लोग, मैं अपील करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, आपके लोगों से, जितने भी व्यूवर्स हैं, जो लोग मुझको फोन कर रहे थे, उन सब से मैं अपील करता हूं, मंडे के दिन मुमरा ट्रैफिक विभाग पर दोपहर में 2:30 बजे सब चीज से, मतलब सुबह का कुछ मीटिंग होगी उनकी, वो फ्री हो जाएंगे, हम सब मिलकर के 2:30 बजे ये लेटर के साथ पहुंचेंगे सीनियर PI सुरेश खेड़ेकर साहब से मिलने के लिए। अगर सुरेश खेड़ेकर साहब नहीं मिले तो न्यूली अपॉइंटेड ACP ऑफ ट्रैफिक मिस्टर भोसले, उनसे मिलने चले जाएंगे वहीं से हम लोग। लेकिन अब जो है हम, हमारी जो लड़ाई है हमारी पब्लिक की, हमारे मुमरा की, हम मुमरा वालों के ऊपर दाग नहीं लगने देंगे, हम मुमरा वालों को कल्प्रिट नहीं बनने देंगे। हमारा जो नाम खराब करके रखे ना कि भैया ये तो ऐसे ही हैं, हम ये नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। तो आपने सुना कि वसीम सैयद का साफ तौर पर कहना है कि 2015 से ही मुमरा शहर में ट्रैफिक विभाग की तरफ से लेटर जारी किया गया है P1 और P2, यानी कि एक दिन लेफ्ट साइड में गाड़ी पार्क की जा सकती है, एक दिन राइट साइड में। लेकिन कहीं ना कहीं अब P1 P2 का ये मामला कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है और लोग जो है दोनों तरफ गाड़ियां खड़ी करते हैं और ट्रैफिक विभाग की तरफ से भी टोइंग करके गाड़ियों पर कार्रवाई की जा रही है, जिस पर लोग ऐतराज़ जता रहे हैं। ऐसे में सोमवार के दिन वसीम सैयद का कहना है कि वो ट्रैफिक विभाग की जो सीनियर हैं उनसे मुलाकात करने के लिए जाएंगे।